हेलो गाइस, खुशहाली है, यू वाचिंग माइनर चैटिस। और आपको ये वाला माइक तो पता ही है, दिस इज़ दी माओनो AU-A04। ये इंडिया में जो है काफ़ी ज़्यादा एक पॉपुलर माइक है, क्योंकि ये वाला जो कंपनी है ये आपको 2000 से लेकर 2500 रुपए के अंदर आपको इतना अच्छा माइक ऑफर कर रहा है। तो इसीलिए इंडिया के जितने सारे भी बजट स्ट्रीमर्स हैं जिनके पास अभी ब्लू एटी लेने का पैसे नहीं, या फिर जिनके पास अभी ब्लू स्नोबॉल या फिर वैसे महंगे कंपनी से कोई यहाँ पे कोई माइक लेने का यहाँ पे पैसे नहीं है, तो वो लोग डेफिनेटली ये वाला माइक को यहाँ पे टारगेट करके रखे हैं। और अगर आपके पास ये वाला माइक नहीं है और अगर आप एक स्ट्रीमर हो तो डेफिनेटली आप भी ये वाला माइक को परचेस करने का सोच रहे हो। और मैंने भी ये वाला माइक को जो है गो विद द फ्लो ऐसे परचेस कर लिया था। और आज का ये जो रिव्यू है ये मेरा ऑनेस्ट रिव्यू है इस माइक के ऊपर, मेरा कुछ ऑनेस्ट ओपिनियन है जो कि शायद ही बहुत सारे यूट्यूबर यहाँ पे आपको बताएंगे। तो ये वाला माइक को अगर आप खरीदना चाहते हो या फिर परचेस करने का सोच रहे हो तो डेफिनेटली इस वीडियो को एंड तक देखना, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको इस माइक का कुछ बॉक्स कंटेंट के बारे में बताऊंगा, इस माइक का कुछ फीचर्स के बारे में बताऊंगा, इस माइक को कैसे यूज़ करते हैं, कैसे इंस्टॉल करते हैं, वो सारी चीज़ों के बारे में इस वीडियो में आपको बताऊंगा। और इस माइक का जो ऑडियो क्वालिटी है वो कैसा है, इस माइक का क्या क्या प्रोज है, क्या क्या कॉन्स है, ये सारी चीज़ों के बारे में हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो मेक श्योर कि इस वीडियो को पूरा तक देखना, और अगर आपको इसी तरीके का कंटेंट देखना पसंद है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, बेल आइकन को दबा सकते हो ताकि मैं जब भी नया वीडियो अपलोड करूं आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। और अभी ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, लेट्स चेक दिस माओनो AU-A04 आउट। तो सबसे पहले ये वाला माइक का हम लोग प्राइसिंग के बारे में बात कर लेते हैं। तो ये वाला माइक जो है आपको अमेजोन के ऊपर देखने को मिल जाएगा अराउंड 2700 रुपए से लेकर 3000-3500 रुपए तक। बट मैंने ये वाला माइक को परचेस किया अराउंड 2300 रुपीज में अमेजोन सेल के दौरान। तो इन दी एंड अगर आपको ये वाला माइक पसंद आ जाता है और आप भी ये वाला माइक को खरीदना चाहते हो तो बेस्ट बाय लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा, वहां से आप डायरेक्टली परचेस कर सकते हो इस माइक को और हमारे चैनल को सपोर्ट कर सकते हो। बात करते हैं बॉक्स पैकेजिंग की। तो ये वाला माइक जो है कुछ ब्लैक एंड येलो कलर का इस तरीके का बॉक्स पैकेजिंग में आता है, जो कि देखने में काफी ज्यादा प्रोफेशनल लगता है एंड काफी ज्यादा अट्रैक्टिंग लगता है। सामने की तरफ यहाँ पे आपको माइक का पिक्चर दिया गया है। ये वाला माइक जो है एक टेबल क्लैंप माइक है, तो यहाँ पे आपको टेबल क्लैंप माइक का यहाँ पे पिक्चर दिया गया है और यहाँ पे मॉडल नंबर लिखा गया है माओनो AU-A04। बॉक्स के साइड में यहाँ पे आपको माओनो के कुछ और भी ब्रांडिंग देखने को मिल जाता है और बॉक्स के इस साइड में यहाँ पे कुछ फीचर हाईलाइटेड किया गया है, जैसे कि कार्डियोइड माइक, 192 बिट का यहाँ पे सैम्पलिंग रेट, 24 बिट का माइक है और भी कुछ यहाँ पे फीचर वगैरह हाईलाइट किया गया है। और बात करते हैं बॉक्स के पीछे की तरफ, तो यहाँ पे आपको बॉक्स के पीछे भी यहाँ पे आपको बहुत सारा फीचर हाईलाइट किया गया है, जैसे कि इसका जो फ्रीक्वेंसी रेट है वो क्या है, क्या है यहाँ पे इसका जो कितना सैम्पलिंग रेट है वो सारे यहाँ पे आपको बताया गया है। तो अगर आप ये सारे फीचर्स को पढ़ना चाहते हो तो आप वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हो। तो यहाँ पे बॉक्स में ज़्यादा कुछ खास तो है नहीं, तो अभी चलो बॉक्स को ओपन कर लेते हैं और देख लेते हैं कि बॉक्स में आपको क्या कुछ मिल जाता है इस माइक के साथ। बात करते हैं बॉक्स कॉन्टेंट की। तो यहाँ पे आपको बॉक्स में सबसे पहले मिल जाता है एक फीडबैक कार्ड, उसके बाद आपको एक यूज़र मैनुअल देखने को मिल जाता है जो कि आप पढ़ सकते हो, फेंक सकते हो, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। उसके बाद यहाँ पे आपको बॉक्स में मिल जाता है एक विंड फॉर्म, उसके बाद आपको मिल जाता है एक शॉक माउंट आपके माइक को माउंट करने के लिए, एक टेबल क्लैंप आपके माइक को टेबल में माउंट करने के लिए, और एक स्विंग आर्म। और साथ ही साथ यहाँ आपको मिल जाता है एक पॉप फिल्टर, वहाँ बॉक्स में आपको एक और चीज़ मिलता है जो कि है इसका यूएसबी केबल, और ये एक यूएसबी टाइप ए टू टाइप बी केबल है। और ये क्यों इतना अच्छा है इसके बारे में मैं इस वीडियो में आगे चल के बताऊंगा, तो वीडियो को देखते रहिए। और फाइनली बॉक्स में हम लोगों को मिल जाता है हमारा माइक। और फर्स्ट इन एंड फील या फिर फर्स्ट इंप्रेशन की बात करते हैं, तो ये वाला माइक जो फर्स्ट इंप्रेशन में मेरे को यार काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे प्रीमियम लगा है एंड काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे प्रोफेशनल लगा है इसका मैट ब्लैक कलर के लिए। और इतना था बॉक्स कंटेंट गाइस, तो अभी चलो हम लोग इसका बिल्ड क्वालिटी एंड डिज़ाइन के बारे में बात कर लेते हैं। इस माइक का डिज़ाइन है ना वो काफ़ी ज़्यादा प्रोफेशनल लगता है देखने में। नीचे की तरफ इसका राउंडिश टाइप का डिज़ाइन है और ऊपर का जो ग्रिल है यहाँ पे, जो माइक का जो ग्रिल है मेटल ग्रिल है, वो यहाँ पे फ्लैट टाइप का डिज़ाइन में देके रखे, जो कि देखने में काफ़ी ज़्यादा प्रोफेशनल एंड प्रीमियम लगता है। और बाकी जो ये वाला माइक है ये एक मैट ब्लैक कलर में आता है, तो इसके वजह से ये वाला माइक और भी ज़्यादा प्रोफेशनल एंड प्रीमियम लगता है। पूरा कवर माइक में सामने की तरफ यहाँ पे आपको सिर्फ एक माओनो का ब्रांडिंग है, बाकी कहीं पे भी कुछ यहाँ पे ब्रांडिंग वगैरह नहीं किया गया है। पूरा कवर मैट ब्लैक कलर में है, देखने में काफ़ी बढ़िया लगता है। और माइक के नीचे की तरफ यहाँ पे आपको एक यूएसबी टाइप ए का पोर्ट देखने को मिल जाता है, जो कि मेरे हिसाब से काफ़ी स्टर्डी है कनेक्शन के लिए, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादातर माइक यहाँ पे यूज़ करते हैं माइक्रो यूएसबी केबल,
जो कि अगर थोड़ा बहुत आप हिलाते हो या फिर मतलब माइक को ऐसे हाथ लग जाता है, कभी कभार हाथ लग जाता है, तो उसमें यूएसबी का कनेक्शन जो है यहाँ पे मतलब क्या बोलते हैं ड्रॉप होने का चांसेस होता है। बट ये वाला माइक के साथ यहाँ पे आपको यूएसबी टाइप ए का कनेक्शन मिलता है, जो कि मेरे हिसाब से बहुत ही स्टर्डी है। और एक बार इसको आपने मतलब प्लग कर दिया उसके बाद मतलब कनेक्शन ड्रॉप होने का कोई चांसेस नहीं है, और ये काफ़ी स्टर्डी है। थोड़ा सा हिलाओगे भी मतलब तो यहाँ पे ये खुलेगा नहीं या फिर मतलब ऐसे लूज नहीं होगा, तो आपको कनेक्शन में कोई यहाँ पे इश्यूज नहीं आएगा। और बात करते हैं बिल्ड क्वालिटी की, तो ये वाला माइक जो है टोटली एक मेटल बिल्ड के साथ आता है। यहाँ पे पूरा का पूरा जो माइक है, यहाँ पे माइक का जो चेम्बर है, जो कैप्सूल है, जो ग्रिल है, ऊपर का जो ग्रिल है, या फिर पूरा का पूरा जो बॉडी है, नीचे का पोर्शन है, टोटली यहाँ पे एक मेटल फिनिश के साथ आता है, एक मेटल बॉडी के साथ आता है। इवन इसका नीचे का जो कनेक्टर है वो भी यहाँ पे मेटल मतलब मेटल बेल्ट के साथ आता है। और मुझे इसका जो फिनिशिंग है वो मुझे बहुत ही ज्यादा बढ़िया लगा, इसको एक बहुत ही अच्छा प्रीमियम लुक देता है। इट्स वेरी सरप्राइजिंग टू सी कि इस बजट रेंज में यहाँ पे आपको इतना कुछ मिल रहा है, इतना अच्छा एक प्रीमियम बॉडी मिल रहा है, इतना अच्छा एक आपको एक मेटल चैम्बर मिल रहा है। तो ओवरऑल एक बहुत ही बढ़िया बेल्ट क्वालिटी के साथ आता है माउनो का AU A04। अगर मेरे को रेट करना है कि यहाँ पे 10 में से कितना रेटिंग मिलता है यहाँ पे आपको बिल्ड क्वालिटी में, तो मैं इसको रेट करना चाहूँगा 10 out of 9, या फिर मैं मतलब मेरा मर्जी चले तो मैं इसको 10 out of 10 ही दे दूँ इस प्राइस रेंज में, क्योंकि यहाँ पे इस प्राइस रेंज में इतना अच्छा बिल्ड क्वालिटी वॉज अनएक्सपेक्टेड। ऑल्सो इसके साथ जो अटैचमेंट्स आते हैं, जो क्लिप्स आते हैं, जो यहाँ पे पॉप फिल्टर्स आते हैं, उसका भी बिल्ड क्वालिटी एकदम टॉप नॉच है। यहाँ पे फिनिशिंग जो काफ़ी अच्छा किया गया है, और यहाँ पे सारे के सारे जो कंपोनेंट्स हैं वो यहाँ पे ब्लैक कलर में आता है। और यहाँ पे एक चीज़ नोटिस करने का है कि यहाँ पे इसका जो टेबल क्लैंप है उसमें आपको एक रबर ग्रिप दिया जाता है, ताकि आप अपने टेबल पे लगाते टाइम यहाँ पे टेबल को जो थोड़ा बहुत स्क्रैचेस ना गिरे, मतलब कि आपको टेबल को कोई डैमेज ना हो, तो उसके लिए यहाँ पे आपको एक रबर ग्रिप भी देखने को मिल जाता है इसके टेबल क्लैंप के साथ। और इसका स्विंग आर्म है ना, माय गॉड कितना ज़्यादा स्मूथ है। यहाँ पे आप थोड़ा सा खींचोगे तो एकदम से आ जाएगा, और काम वाम हो गया तो वापस से आप ऐसे धकेल दोगे तो आराम से चला जाएगा, दिक्कत वाली कोई बात नहीं है। और अगर आपको लिटरली इस माइक को किसी भी पोजीशन में ऐसे होल्ड करना है, तो यहाँ पे बहुत सारे माइक के स्विंग आर्म में, माइक के टेबल क्लैंप में, या फिर आपके माइक में भी यहाँ पे आपको बहुत सारा नॉब देखने को मिल जाता है, जिसको घुमा के आप जो है अपने रिक्वायरमेंट पोजीशन में ऐसे आप लॉक कर सकते हो, और उसके बाद आपका माइक जो थोड़ा सा भी हिलेगा डुलेगा नहीं। जैसे भी इस माइक को आपको माउंट करना है, या तो ऊपर की तरफ से माउंट करना चाहते हो, या फिर नीचे की तरफ से माउंट करना चाहते हो, या फिर साइड की तरफ से माउंट करना चाहते हो, जैसे भी आपको करना है लिटरली उसी तरीके से यहाँ पे आप माउंट कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे जो रोटेशन वगैरह है वो यहाँ पे काफ़ी यहाँ पे फ्लेक्सिबल है। तो आप इस माइक को या फिर माइक के स्टैंड को किसी भी तरीके से यहाँ पे आप सेट कर सकते हो और अपने पोजीशन से लॉक कर सकते हो। ये मेरे को सबसे बढ़िया बात लगा इस माइक का। अब इस माइक का थोड़ा बहुत फीचर्स की बात करते हो, ये वाला माइक जो है एक कार्डियोड माइक है। ज़्यादातर लोग यहाँ पे आजकल कार्डियोड माइक को ही प्रेफर करते हैं पॉडकास्टिंग के लिए, स्ट्रीमिंग के लिए, या फिर जो वॉइस ओवर्स है उनके लिए जो कार्डियोड माइक ही यूज़ किए जाते हैं। और ये वाला माइक भी जो एक कार्डियोड माइक है, मतलब कि यहाँ पे आपका जो बैकग्राउंड नॉइज़ है, आपके माइक के पीछे का जो नॉइज़ है, साइड का जो नॉइज़ है, लेफ्ट साइड राइट साइड का जो नॉइज़ है, वो ये माइक कैंसिल कर देगा, और आपका जो वॉइस है सिर्फ फ्रंट से ये वाला माइक कैप्चर करेगा। ना ही साइड से बोलना है, ना ही पीछे से बोलना है, ना ही टॉप से बोलना है, आपको आपका माइक का एकदम सामने से बोलना है, तभी ये वाला माइक जो है आपके वॉइस को अच्छी तरीके से कैप्चर करेगा। और बाकी जो एकदम ऐसा सर्कल वाला जो यहाँ पे नॉइज़ होगा, आपके पीछे का नॉइज़, आपके साइड का नॉइज़, ये वाला माइक जो है एकदम यहाँ पे कैंसिल कर देगा। बाकी वाला माइक का सैम्पलिंग रेट की बात करते हैं, ये वाला जो माइक का सैम्पलिंग रेट है वो है 192 kHz का, और ये 24-bit का माइक है, तो यहाँ पे आपका जो वॉइस का डेप्थ है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी तरीके से यहाँ पे ये वाला माइक कैप्चर करेगा। और थोड़ी देर में मैं आपको इस माइक का कुछ वॉइस सैम्पल सुनाऊंगा, जिससे कि आपको पता चल जाएगा कि ये वाला माइक जो है किस तरीके से आपका वॉइस को कैप्चर करता है, और इसमें नॉइस कैंसलेशन कितना ज़्यादा है, और बाकी सारी चीज़ कैसा है, वो सारी चीज़ के बारे में हम लोग इस पर बात करने वाले आगे चल के। और बात करते हैं इस माइक का फ्रीक्वेंसी रेट के बारे में, तो ये वाला माइक जो है 30 Hz से लेके 16,000 kHz तक यहाँ पे वॉइस को कैप्चर कर पाता है। बट मैं यहाँ पे कोई ऑडियो स्पेशलिस्ट नहीं हूँ, तो अगर आपको ये सारे नंबर्स के बारे में थोड़ा बहुत यहाँ पे आइडिया है, तो डेफिनेटली आप समझ सकते हो कि ये वाला माइक कितना अच्छा है या फिर कितना बुरा है। तो चलो अभी हम लोग बात करते हैं कि ये वाला माइक को आपको कैसे इंस्टॉल करना है उसके बारे में। तो ये वाला माइक जो है 3 तरीके के सेटअप में आता है, एक है ट्राइपॉड माउंट, एक है डेस्कटॉप माउंट, और एक है टेबल क्लैंप माउंट। ठीक है, ये पूरा का पूरा सेटअप है। ये वाला जो माउंट है ये सबसे एक्सपेंसिव है, और सबसे सस्ता वाला है ट्राइपॉड माउंट, जो कि आता है 1800 रुपये में। और तीनों का जो माइक है ना एकदम सेम है, सिर्फ यहाँ पे सेटअप अलग है, और सेटअप के लिए आपको पैसे यहाँ पे करना पड़ रहा है। ठीक है, और मेरे पास है टेबल क्लैंप वाला सेटअप, और यही सबसे एक्सपेंसिव वाला सेटअप है, अराउंड 2300 से लेकर 3000 रुपये तक कॉस्ट करते हैं, मैंने आपको बताई दिया है। तो इसको इंस्टॉल करने के लिए आपको सबसे पहले इसका जो टेबल क्लैंप है उसको आपको टेबल में इंस्टॉल करना पड़ेगा कुछ इस तरीके से। इंस्टॉल करने के बाद आपका जो स्विंग आर्म है उसको आपको इसमें डालना पड़ेगा कुछ इस तरीके से, और उसके बाद आप इसको अगर फ्लेक्सिबल रखना चाहते हो तो आप इस नॉब को यहाँ पे मत घुमाना, और अगर आप इसको लॉक करना चाहते हो तो यहाँ पे आप नॉब को घुमा के यहाँ पे आप इसका जो पोजीशन है उसको लॉक कर सकते हो। और एक बार ये सेट हो गया उसके बाद आपको आपके माइक को अपने शॉक माउंट में कुछ इस तरीके से इंस्टॉल करना पड़ेगा क्लिप को होल्ड करके, और उसके बाद आपका माइक इंस्टॉल हो जाएगा।
इंस्टॉल होने के बाद आपको अपने माइक में अपना जो विंड फॉर्म है वो डालना पड़ेगा कुछ इस तरीके से। आप डाल भी सकते हो, नहीं भी डाल सकते हो, वो आपका पर्सनल प्रेफरेंस है। और उसके बाद आपके माइक के साथ जो पॉप फिल्टर आया है उसको अपने स्विंग आर्म में कुछ इस तरीके से इंस्टॉल कर लेना है, एंड दैट्स इट। अभी आपको सिर्फ आपका माइक का जो डेटा केबल है उसको अपने माइक में लगाना है और अपने डेस्कटॉप में लगाना है, एंड यू आर रेडी टू गो टू रिकॉर्ड योर वॉइस। इस माइक को इंस्टॉल करने के लिए आपको कोई एक्स्ट्रा सॉफ्टवेयर या फिर ड्राइवर इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं है। आपके पीसी में जो रियलटेक का ड्राइवर है उसी के साथ ये वाला माइक जो है काम कर जाएगा। और अपने वॉइस को रिकॉर्डिंग करने के लिए आप एक फ्री सॉफ्टवेयर यूज़ कर सकते हो जो कि ऑडेसिटी, जो कि हर कोई यहाँ पे यूज़ करते हैं, मैं भी यूज़ करता हूँ, तो वो आप यूज़ कर सकते हो। और अगर आपको इसको OBS स्टूडियो में चलाना है तो आप डायरेक्टली इसका जो इनपुट है वो OBS स्टूडियो में डाल सकते हो, तो ये डायरेक्टली आपका जो साउंड है वो रिकॉर्ड करना स्टार्ट कर देगा। ठीक है, बात करते हैं इस माइक का वॉइस क्वालिटी या फिर क्लैरिटी के बारे में। तो जैसे कि ये कॉन्डेंसर प्लस कार्डियोइड माइक है, तो यहाँ पे इस माइक से आप जितना दूर जाओगे उतना आपका यहाँ पे क्वालिटी डिक्रीज होता जाएगा और उतना यहाँ पे आपका वॉइस में जो है एको बढ़ता जाएगा। अगर आपको यहाँ पे एकदम प्रोफेशनल टाइप का वॉइस क्वालिटी या फिर क्लैरिटी चाहिए तो यहाँ पे मेक श्योर कि आप एकदम माइक के सामने से बात करो, एकदम ज़्यादा दूर भी ना जाओ, एकदम ज़्यादा पास भी ना हो। और यहाँ पे अभी हम लोग इस माइक का एक्चुअल क्वालिटी के बारे में बात करते हैं, तो ये वाला माइक जो है आपके वॉइस का बेस को जो है बहुत ही अच्छी तरीके से कैप्चर करता है। और यहाँ पे बाकी सारे जितने सारे भी नॉइज़ है, अगर आपका बैकग्राउंड में बहुत ज़्यादा नॉइज़ भी है तो वो ये बहुत ही अच्छी तरीके से कैंसिल कर देता है, सिर्फ सामने से ये आपका वॉइस जो है कैप्चर करता है। मेक श्योर कि आप इस माइक के एकदम सामने से बात करो, जहाँ पे माउंट का लोगो दिया हुआ है बिल्कुल वहाँ से बात करो, एकदम टॉप नॉच वाला क्वालिटी यहाँ पे अचीव करने के लिए। बाकी यहाँ पे ये रहा इस माइक का कुछ वॉइस सैंपल्स, जिससे कि आपको और भी अच्छी तरीके से पता चल जाएगा कि इस माइक का जो क्लैरिटी या फिर क्वालिटी कैसा है, एंड इसका जो नॉइस आइसोलेशन या फिर नॉइस कैंसलेशन है वो कितना यहाँ पे इस माइक के साथ काम करता है। सो हियर इज द वॉइस सैंपल, होप यू एंजॉय एंड लेट्स गो। सो हे गाइस, माय नेम इज कुशाल एंड दिस इज द साउंड सैंपल ऑफ द माउनो AU A04। अभी बज रहा है सुबह के 12 और यहाँ पे आप देख ही सकते हो किस तरीके से आपका जो वॉइस है ये वाला माइक कैप्चर करता है। ऑल्सो यहाँ पे बैकग्राउंड नॉइस को भी यहाँ पे आप सुन सकते हो किस तरीके से ये वाला माइक जो है कैप्चर करता है बैकग्राउंड नॉइजेस को। और अगर मैं इस माइक का साइड से बोलूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हो किस तरीके से यहाँ पे ये वाला माइक जो है साइड से अपना वॉइस को कैप्चर करते हैं या फिर नॉइस को जो है आइसोलेट करते हैं। और अगर मैं इस साइड से भी बोलूँ तो यहाँ पे आप देख ही सकते हो, और अगर मैं सामने से भी बोलूँ तो यहाँ पे देख ही सकते हो, सामने से बोलने से एकदम परफेक्टली यहाँ पे ये वाला माइक जो है कैप्चर करते हैं आपके वॉइस को। और अगर आप साइड से या फिर ऊपर से कहीं से भी बोलोगे तो आपका जो वॉइस क्वालिटी है वो यहाँ पे डिक्रीज हो जाएगा। और अभी मेरा जो माइक का मेरा माउथ से डिस्टेंस है वो अराउंड 1-2 inches ही है। और अगर मैं थोड़ा थोड़ा करके यहाँ पे पीछे जाता हूँ तो यहाँ पे देख सकते हो किस तरीके से यहाँ पे आपका जो वॉइस क्वालिटी है वो यहाँ पे डिक्रीज हो रहा है। और पीछे आता तो यहाँ पे आप देख सकते हो किस तरीके से यहाँ पे वॉइस क्वालिटी डिक्रीज हो रहा है, और पीछे आता तो कुछ इस तरीके से यहाँ पे आपका जो वॉइस क्वालिटी है वो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है। और एकदम पास आ जाता हो तो यहाँ पे आप देख सकते हो आपका जो वॉइस क्वालिटी वो एकदम टॉप नॉच हो जाता है। तो मेक श्योर कि यहाँ पे आपका माइक का जो डिस्टेंस है वो आपके माउथ से एकदम 2-3 inches ही हो, उससे ज़्यादा जाओगे तो यहाँ पे आपका जो क्वालिटी है वो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा डिक्रीज हो जाएगा। एंड दिस वॉज द सैम्पल ऑफ द माउनो AU A04 गाइज, आई होप कि आप लोगों को पसंद आया है। एंड यही चीज़ मैं आपको थोड़ा बहुत एडिट करके अभी सुनाने वाला हूँ, तो आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पे ये वाला माइक के साथ आप किस तरीके से वॉइस को ट्विकिंग कर सकते हो, ट्विकिंग करके एकदम प्रोफेशनल गेट का यहाँ पे वॉइस ओवर कर सकते हो या फिर जो भी करना है आपको वो सारे कर सकते हो। सो हे गाइस, माय नेम इज कुशाल एंड दिस इज द साउंड सैंपल ऑफ द माउनो AU A04। अभी बज रहा है सुबह के 12 और यहाँ पे आप देख ही सकते हो किस तरीके से आपका जो वॉइस है ये वाला माइक कैप्चर करता है। ऑल्सो यहाँ पे बैकग्राउंड नॉइज़ को भी यहाँ पे आप सुन सकते हो किस तरीके से ये वाला माइक जो है कैप्चर करता है बैकग्राउंड नॉइज़ को। और अगर मैं इस माइक का साइड से बोलूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हो किस तरीके से यहाँ पे ये वाला माइक जो है साइड से अपना वॉइस को कैप्चर करते हैं या फिर नॉइस को जो आइसोलेट करते हैं। और अगर मैं इस साइड से भी बोलूँ तो यहाँ पे आप देख ही सकते हो, और अगर मैं सामने से भी बोलूँ तो यहाँ पे देख ही सकते हो, सामने से बोलने से एकदम परफेक्टली यहाँ पे ये वाला माइक जो है कैप्चर करते हैं आपके वॉइस को। और अगर आप साइड से या फिर ऊपर से कहीं से भी बोलोगे तो आपका जो वॉइस क्वालिटी है वो यहाँ पे डिक्रीज हो जाएगा। सो जैसे कि आपने देखा कि ये वाला माइक जो है आपके वॉइसेस को काफ़ी अच्छी तरीके से कैप्चर करता है, वॉइस में जो है बेस बहुत अच्छी तरीके से प्रेजेंट है, इसमें जो है क्लैरिटी जो है बहुत अच्छी तरीके से क्लैरिटी यहाँ पे आपको इस माइक के साथ देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पे अगर आप इस माइक को कोई वॉइस ओवर के लिए या फिर स्ट्रीमिंग के लिए यूज़ करना चाहते हो तो आप डेफिनेटली यूज़ कर सकते हो। बट कंक्लूजन की बात करते हैं, ये वाला माइक का मुझे एक ही कंक्लूजन लगा है कि यहाँ पे इसका जो नॉइज़ कैंसलेशन है या फिर नॉइज़ आइसोलेशन है वो यहाँ पे बहुत ही बढ़िया नहीं कह सकते, एकदम एवरेज सा है। बट यहाँ पे ये भी आपको देखना पड़ेगा कि आप कितना यहाँ पे इस माइक के लिए पे कर रहे हो, ओनली 2500 to 3000 rupees। और अगर मुझसे कोई पूछता है कि यहाँ पे ये वाला माइक जो है ब्लू स्नोबॉल से अच्छा है कि नहीं, तो मैं बोलूँगा कि ब्लू स्नोबॉल ज़्यादा बेटर है इस माइक से थोड़ा सा, क्योंकि यहाँ पे ब्लू स्नोबॉल जो है आपको 4000 rupees का कॉस्ट करता है, प्लस उसका जो नॉइज़ कैंसलेशन है वो यहाँ पे माउनो से काफ़ी ज़्यादा बेटर है। माउनो का भी काफ़ी अच्छा है 2000 rupees के हिसाब से, 2500 rupees के हिसाब से माउनो का जो नॉइज़ कैंसलेशन है वो मेरे हिसाब से काफ़ी बढ़िया है। बट अगर आप सोच रहे हो कि बहुत ही बढ़िया है नॉइज़ कैंसलेशन, तो उतना भी नहीं है। मतलब अगर आप बहुत ही क्राउडेड एरिया में रहते हो
फिर भी आप इस माइक को यूज कर सकते हो Audacity में, आप जो यहाँ पे नॉइस कैंसिलेशन कर सकते हो। रॉ फाइल की बात करते हो ये वाला माइक जो थोड़ा सा नॉइस कैंसिलेशन के मामले में ऐसे मार खा जाता है, बाकी इसका जो क्वालिटी है साउंड का या फिर बेस है, इसका जो वॉइस क्लैरिटी है वो बहुत ही एकदम टॉप नॉच है। लाइक 2500 रुपये के हिसाब से बहुत ही टॉप नॉच है, आपको किसी भी तरीके से डिसअपॉइंटमेंट फील नहीं होगा या फिर रिग्रेट फील नहीं होगा इस माइक को परचेस करते हुए। सो दैट वाज द रिव्यू गाइस, दैट वाज माय रिव्यू ऑन द Mono AU-A04। और अगर आपको ये वाला वीडियो पसंद आया है और अगर आप ये वाला माइक को अभी खरीदने का सोच रहे हो तो मेक श्योर कि आप मेरे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ लिंक को यूज़ करो इस चैनल को सपोर्ट करने के लिए। और अगर आपको इसी तरीके का वीडियोस देखना पसंद है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, बेल आइकन को दबा देना, और मैं आपसे एक और इसी तरीके का इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ मिलता हूँ। तब तक के लिए बाय बाय।